नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए मार्च के सेकंड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट या फिर कोई साइंस टेक्नोलॉजी या पहली बार कोई क्वेश्चंस बने हैं किसी टॉपिक से जिसको मिसलेनियस कहते हैं। सारे करंट अफेयर जो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में बने हैं 2024 में, उसको यहाँ पर हम कवर कर रहे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये आपका सेकेंड वीक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अंदर डिस्कस होंगे, तो कुछ यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिखी हुई है, जैसे कि इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया बात करेंगे, किसी राज्य के द्वारा किया गया या किसके द्वारा, किस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया बात होगी। भारत का पहला ओन्ड गवर्नमेंट ओन्ड OTT है। और नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ, इसमें फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज किसको मिला, किसने यहाँ पर यह अवार्ड दिया और क्या है ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, इसकी बात करेंगे। साथ साथ संसद खेल महाकुंभ, ये 3.0 ऑर्गेनाइज हुआ है, कहाँ पर हुआ इसकी बात करेंगे। और एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, इसमें कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं, किस किस प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया, क्या होता है राफ्टिंग, सारी चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री अभी पाकिस्तान के बने हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, वहां पर किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सबसे बड़ी पार्टी इमरान खान की बनके उभरी, लेकिन वो पार्टी के लोगों से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको भी यहाँ पर मेजोरिटी नहीं मिली थी और उनकी पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी कलेक्ट कर भी नहीं पाई, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उनकी तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। कौन बना है बात होगी। यार्स मिसाइल, ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मिसाइल प्रक्षेपित की जा सकती है। यार्स किस देश की है बात होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने अभी रिसेंटली में अनाउंस कर दिया है कि अगर आप खेलो इंडिया के किसी भी लेवल के गेम को खेलते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली में हुई है, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और पहला सेमीकंडक्टर फैब यहाँ पर डेवलप हुआ है, किस राज्य में बात होगी। और इम्पॉर्टेंट डेज की तो हम लास्ट में बात करते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी ऐसी है जिसने अपना, जो पहली, इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT लॉन्च कर दिया है, तो ये है कौन, केरला राज्य। जब ये OTT प्लेटफॉर्म बनाने की बात आई थी तब भी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था कि केरला पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जो कि अपना OTT प्लेटफॉर्म अपने राज्य के, अपनी लैंग्वेज के जो फिल्में हैं उनको प्रमोट करने और साथ साथ उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर ये लॉन्च कर रहे हैं। OTT का मतलब क्या है, ऑन द टॉप। और इस OTT का नाम क्या होगा, तो इस OTT का नाम सी स्पेस होगा, जिसको केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको, जो इसके डायरेक्टर और चेयरमैन हैं साजी एन करुण, उनके द्वारा बताया गया कि ये हमारे और कुछ प्राइवेट संस्थाओं के कोलेबोरेशन से इसको डेवलप किया गया है। ठीक, यहाँ पर केरला की कैपिटल है त्रिवंतनापुरम। पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। सी स्पेस ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT है। अगला क्वेश्चन, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज हुआ। यहाँ पर जो युवा होते हैं उनको पार्लियामेंट में जो भी प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग उनको जज किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को जज किया जाता है कि वो कितना बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं
पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है, पार्लियामेंट में किसी बिल को पेश किया जाता है, तो इस पूरी प्रोसेस में उनको जज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर विनर सिलेक्ट किया जाता है। तीन अलग अलग चरणों में जो युवा है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तीन अलग अलग लेवल्स में पार्टिसिपेट होने के बाद यहाँ पर फाइनल जो लेवल होता है वो जो हमारी दिल्ली में पार्लियामेंट है वहाँ पर उनके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पर यतिन भास्कर ने इस पूरे यूथ जो पार्लियामेंट फेस्टिवल हुआ था इसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर गोल्ड मेडल मतलब पहली पोजीशन प्राप्त की है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में पहली पोजीशन पर कौन रहे, तो यतिन भास्कर रहे जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनको ये अवार्ड जो इस समय पर हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैं उनके द्वारा दिया गया। पहली पोजीशन पर तो यतिन भास्कर दुग्गल थे जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दूसरी रैंक पर कौन थे, तो दूसरी रैंक पर वैष्णा पिचाई थे जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और तीसरी पोजीशन पर कनिष्क शर्मा थे जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नए प्रेसिडेंट हंगरी के जो कि यूरोपियन कंट्री है इसके कौन बन गए हैं, तो नए प्रेसिडेंट अभी बने हैं तमस सुलियोक। याद रखिएगा, इन्होंने कैटलिन नोवाक की जगह ली है जिनके ऊपर अभी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का एक आरोप लगा है और उसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और अब नए प्रेसिडेंट बने हैं तमस सुलियोक। ध्यान रखिएगा, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। तमस सुलियोक यहाँ के प्रेसिडेंट, फोरिंट यहाँ की करेंसी है। ठीक, आगे यहाँ पर आप तमस सुलियोक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के चीफ मिनिस्टर अभी नए बने हैं जिनका नाम है चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की इन्होंने जगह ली है। हेमंत सोरेन अभी जेल में है, तो उनके जेल जाने के बाद चंपई सोरेन बन गए हैं चीफ मिनिस्टर। सेम पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से दोनों बिलोंग करते हैं, वो भी और ये भी। यहाँ पर जो इन्होंने विडो रीमैरिज प्रमोशन स्कीम को लॉन्च कर दिया है राज्य में, इसके माध्यम से जो विडो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर रीमैरिज के लिए प्रमोट किया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीमैरिज करके अपना घर बार बसा सके। इसके कैसे प्रमोट करेंगे, तो इसके लिए 2 लाख रुपया अगर आप विडो हैं, आप रीमैरिज करते हैं, तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा और बजट में यहाँ पर पैसा भी एलोकेट किया गया है इस स्कीम के लिए। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ है। याद रखिएगा, इसमें जो यूथ टैलेंट है उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए खेल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। क्या है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पर हुआ, हमीरपुर में हुआ, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में। इस समय पर जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जो कि कोच हैं, इनको यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया और अनुराग ठाकुर जो कि इस समय पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो तो यहाँ पर अवेलेबल थे ही। अगला क्वेश्चन, इंद्रमा हाउसिंग स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई है किसके द्वारा, तो यहाँ पर गिने चुने राज्य हैं जो कि कांग्रेस के पास है और इंद्रमा आप समझ सकते हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड कुछ होगा। यहाँ पर हाउसिंग स्कीम मतलब हाउस यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे या उनको डेवलप करने के लिए मनी दिया जाएगा। आप अगर आपको नहीं पता हो तो एज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर रेवंत रेड्डी जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इंद्रमा हाउसिंग स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से यहाँ पर कुछ पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा लैंड ओनर्स को जिससे कि वो यहाँ पर जमीन अपनी जमीन में घर बना सकें और इसके माध्यम से वो कोशिश करेंगे कि 3500 हाउसेस को यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उनको पैसा प्रोवाइड कराया जा सके और उसके बाद वो उस प्लॉट में अपने घर बनाएं जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर मिल पाए। ध्यान रखिएगा, इंद्रमा हाउसिंग स्कीम रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, जो स्टेट है कौन सा स्टेट, ओडिशा स्टेट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर को यहाँ पर जो इस्टेब्लिश करेंगे।
जिससे क्या होगा, जिससे कि वो किस प्रकार से वाटर को स्टोर करना है, किस तरीके से हम वाटर रिसोर्स का बेहतर तरीके से यूज़ करना है, जिससे कि सभी को स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके, इसके ऊपर यहाँ पर फोकस रहेगा। इसीलिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर अभी डेवलप करने का डिसाइड किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी और अलग अलग तरीकों से वाटर को स्टोर और स्टोर करके अलग अलग जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और लॉसेस को यहां पर कम करने की कोशिश होगी इस स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर के डेटा के अनुसार। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा ने ऐसा किया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जिसको 1965 में फाउंड किया गया था, इसकी पहली वुमेन स्नाइपर कौन बनी है? तो पहली वुमेन स्नाइपर ये बनी है सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी। कौन? पहली वुमेन स्नाइपर BSF में कौन बनी है? सुमन कुमारी। ध्यान रखिएगा, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी इनका नाम है, याद रखेंगे। ठीक, इन्होंने, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था BSF को। अगला क्वेश्चन, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है? तो एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया गया है कहाँ पर? ये शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, वहाँ पर सतलुज रिवर के पास बसंतपुर जगह है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप, इसमें अलग अलग देशों के साथ साथ नेशन की टीमें ने भी पार्टिसिपेट किया और इंटरनेशनली जो टीम थी उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसके माध्यम से यहाँ पर राफ्टिंग को प्रमोट करना है और साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म है उसको भी प्रमोट करना एक लक्ष्य है। तो राफ्टिंग के साथ साथ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में ऑर्गेनाइज हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अदिति स्कीम क्या है? तो अदिति स्कीम के माध्यम से जो इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कि हम इनोवेशन लाएं अपने अपने भारत में, जिससे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको दुनिया यहाँ पर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और भारत में आकर रिसर्च होगी तो भारत में एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर लक्ष्य है कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है, जो यहाँ पर अलग अलग इनोवेशन है उसके लिए प्रमोट किया जा सके अदिति स्कीम के माध्यम से, और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्ट ही सरकार कर सकती है, तो उसके लिए भारत सरकार यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्ट भी करेगी। ठीक, और ये 2023-24 और 2025-26 तक के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन बने हैं? तो पाकिस्तान के 24 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वैसे तो ये सेकेंड टाइम शपथ ले रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में, लेकिन अब ये 24 नंबर के काउंटिंग वाइज प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं पाकिस्तान के। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन में इनको पूर्ण बहुमत तो इनकी पार्टी को मिला नहीं, लेकिन कोलेबरेशन की सरकार के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा। कौन सी एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मणा, जो कि भारत और किस देश के बीच में ऑर्गेनाइज हुई? तो भारत और मलेशियन नेवी के बीच में यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई है। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया और भारत की जो नेवी है और साथ साथ रॉयल मलेशियन नेवी दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। ये तीसरी बार ऑर्गेनाइज हो रही है, ये थर्ड एडिशन है जिसको भारत और मलेशिया की नेवी ने ऑर्गेनाइज किया है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फेमस चंडी तराकाशी, जो कि सिल्वर फिलिग्री है, ये इसको GI टैग मिला है। इसमें क्या होता है कि सिल्वर के धागों से यहाँ पर थोड़ी सी बुनाई चुनाई टाइप की जाती है, बुनाई बुनाई की जाती है, मतलब धागे इसमें लगे होते हैं कपड़ों में। तो
ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये ओडिशा में फेमस है, तो ओडिशा के लिए इसे GI टैग अभी रिसेंटली में मिला है। किसको? चंडी तरकाशी, जिसको सिल्वर फिलिग्री भी कहते हैं। ये हाथ से एक डिज़ाइनिंग कपड़ा होता है, एक डिज़ाइन किया जाता है जिसमें सिल्वर के धागे लगाए जाते हैं, इसीलिए ये फेमस है। और उड़ीसा के लिए इसे GI टैग मिला है, तो उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, आगे बात करें। अभी रिसेंटली में 2024 में 2022 का स्टेटस ऑफ लियोपर्ड इन इंडिया लॉन्च हुआ है। ये एक रिपोर्ट लॉन्च हुई है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें बताया गया है कि भारत में जो लियोपर्ड्स की संख्या है वो 13,874 हो चुकी है, लगातार नंबर बढ़े हैं। 2018 में इसकी भारत में लियोपर्ड की संख्या 12,852 थी और अब यहाँ पर संख्या बढ़ चुकी है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस समय पर हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में यहाँ पर इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्टेब्लिश किया गया और स्टेनलेस स्टील सेक्टर को ये प्रमोट करेगा। और अभी इसका इनॉग्रेशन वर्चुअली माध्यम से जो यूनियन स्टील मिनिस्टर और साथ साथ ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हिसार हरियाणा में किया गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, स्टील सेक्टर को ये प्रमोट करने वाला है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2024 अब होगा। हर साल 2008 से ही हो रहा है और हर साल इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी रिसेंटली में एक अपडेट हुआ जिसको यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ। सनराइजर हैदराबाद, टोटल 10 टीमें होती हैं इनमें, उनमें एक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। ये इन्होंने अपना नया कैप्टन अनाउंस किया है। ये कैप्टन का नाम है पैट कमिंग्स। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन भी हैं और अभी इस बार जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय पर इन्होंने कैप्टनसी की थी और वर्ल्ड कप में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, फाइनल में भारत को हरा दिया था। उसी के तर्ज पर ये जो प्लेयर हैं ये सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ियों में से एक है। यहाँ पर ये सेकेंड महंगे खिलाड़ी बिके हैं। ये पैट कमिंग सिंह का नाम है और ये सनराइजर हैदराबाद के नए कैप्टन बन चुके हैं। इन्होंने एडम मार्करम की जगह ली है, 20.50 लाख रुपए में ये बिके थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टेट है जो पहली पोजीशन पर आ चुका है आयुष्मान कार्ड को इशू करने में? तो आयुष्मान कार्ड को इशू करने में उत्तर प्रदेश, नॉर्मल बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य ही जिसने 5 करोड़ से ज़्यादा कार्ड यहाँ पर इशू कर दिए हैं और बेनिफिट यहाँ पर लगभग 7 लाख लोगों को यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। अब आप कहेंगे 7 लाख और 5 लाख कार्ड, देखिए 5 करोड़ कार्ड और 7 करोड़ यहाँ पर लोगों को बेनिफिट कैसे मिल गया? क्योंकि एक परिवार को एक कार्ड यहाँ पर जनरेट होता है, एक परिवार में एक आदमी थोड़ी ना होता है, ज़्यादा होते हैं। तो लगभग 7 लाख लोगों को इन्होंने अभी तक बेनिफिट दे दिया है अकॉर्डिंग टू इनके जो स्टेट एजेंसी है, इनकी हेल्थ और क्रेडिट एंड अचीवमेंट वाली, वो उन्होंने अपना एक डेटा तैयार किया, उसके माध्यम से यहाँ पर जो इनकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उन्होंने बताया कि हमने इतने इतने लोगों को बेनिफिट दिया है। उसी डेटा के अनुसार ये पहली पोजीशन पर आ चुके हैं कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने में, कार्ड को इशू करने में, आयुष्मान कार्ड जिसके माध्यम से 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस, आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है और आप 5 लाख तक का इलाज किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट चुनिंदा उनमें आप अपना इलाज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बेस्ट परफॉर्मेंस अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंस ईयर 2023-24 किस मिनिस्ट्री को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर अकाउंट्स के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किया, बेस्ट परफॉर्मेंस किया, 2023-24 के लिए इनको यह अवार्ड मिला।
अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन संभाल रहे हैं? तो अनुराग ठाकुर जी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अप्रूव कर दिया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को राज्य में? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया, यहाँ पर अप्रूव कर दिया, जिस जो कि एनटीपीसी के माध्यम से, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये महारत्न कंपनी है, इसके साथ कोलैब करके यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को डेवलप करने के ऊपर ये काम करेंगे अगले 5 साल तक। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, यार्स मिसाइल जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स मिसाइल, ये किसकी है? तो रशियन डिफेंस की है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी कंफर्म किया है कि हमने जो यार्स है, RS-24 यार्स, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये रशिया ने अभी यहाँ पर कहा है, इसीलिए याद रखना कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जा सकती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक करने में मदद कर सकती है, इसीलिए चर्चाओं में रही, ध्यान रखेंगे। कुछ इस प्रकार से वो दिखती है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो को इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा, यहाँ पर कहाँ पर किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने तो किया, ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता में ये डेवलप हो रही थी, और अभी रिसेंटली में इसे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये किस रिवर पर डेवलप हुई है? तो हुगली रिवर पर इसको डेवलप किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया का पहला स्मॉल स्केल LNG यूनिट को इनॉग्रेट कर रहा है? और पहला ये LNG यूनिट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, याद रखिएगा, विजयपुर में। कहाँ पर? विजयपुर में LNG यूनिट यहाँ पर लॉन्च की गई है, और इसमें किसके साथ मिलकर लॉन्च की गई? तो गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, उसके साथ यहाँ पर कोलैब किया गया और LNG यूनिट को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। और किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन मिनिस्टर इस समय पर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पर आप हरदीप सिंह पुरी को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कंट्री ने यूएफा वुमेन्स नेशंस लीग को यहाँ पर जीत लिया? फुटबॉल का एक ये लीग है, इसको स्पेन ने यहाँ पर जीत लिया है। किसने? स्पेन ने यहाँ पर जीत लिया, फ्रांस को हराकर यहाँ पर जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएफा वुमेन्स नेशनल लीग 2023-24 को स्पेन ने यहाँ पर जीत लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी क्या होता था, जब चुनाव होता है तो जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं और साथ साथ जो एल्डर्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ना उनको घर से ही वोट दिलवा दिया जाता है, जिसको कहते हैं पोस्टल बैलेट वोटिंग। अब पोस्टल बैलेट वोटिंग की जो बूढ़े लोग होते थे, उनकी उम्र थी 80 साल या उससे ज़्यादा, लेकिन अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज लिमिट को बढ़ा दिया। अब 85 या उससे ज़्यादा उम्र के जो एल्डर्स होंगे, उनके घर में जाकर अगर आपको वोटिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करानी है, तो आपको इतनी एज का क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा। पहले 80 ईयर यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया था, अब यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो रूल था, इलेक्शंस रूल 1961, इसको यहाँ पर अपग्रेड किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में अनाउंस किया है कि खेलो इंडिया के किसी भी गेम्स को, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पैरा हो या विंटर हो, किसी भी टाइप के गेम को अगर आप खेलते हैं, वहाँ पर कोई मेडल जीतते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए।
तो यहाँ पर कोई भी यूथ यूथ आपको पता है 2018 से जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुए थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी गेम 2020 में हुए, पैरा गेम्स 2023 में हुए और विंटर गेम 2023 में शुरू हुए। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से जो खेलो इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो अब इसको प्रमोट और बेहतर से करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम जो भी पदक जीतेंगे उनको जो गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे खेल मंत्री हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो हो रहा था वहीं पर ये अनाउंस किया है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग ने यहाँ पर फ्रंटियर लैब टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लॉन्च किया और ये किसके साथ मिलकर किया, तो पहले की फेसबुक और अब की मेटा के साथ यहाँ पर लॉन्च किया है। नीति आयोग और मेटा मिलकर यहाँ पर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब को लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से यूथ को यहाँ पर एम्पावर किया जाएगा, उनको इनोवेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा और उनके अंदर स्किल को डेवलप किया जाएगा। तो याद रखिएगा, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब नीति आयोग और मेटा के द्वारा, मेटा के कोलेबोरेशन से इसे इनॉग्रेट किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो न्यूड ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड देखती है, जो न्यूज़ दिखाई जा रही है उसका स्टैंडर्ड चेक करती है, वो समाज में कोई मतलब ऐसा मैसेज तो नहीं दे रही जिससे डिस्प्यूट पैदा हो वगैरह वगैरह, तो इसने अभी अगेंस्ट चार जो एंकर्स हैं उनके जो शो हैं उनको हेट शो की कैटेगरी में डाला और उनकी वीडियोस को यहाँ पर डिलीट करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर कौन कौन है, तो सुधीर चौधरी हैं और हिमांशु दीक्षित हैं और अमन चोपड़ा हैं और अमीश देवगन हैं। तो कितने, चार लोग हैं। इन चार लोगों को जो कि एक आज तक और दूसरे टाइम्स नवभारत और न्यूज़ 18 इंडिया और चौथे अमीश देवगन भी न्यूज़ 18 इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो इन पर अभी रिसेंटली में हेट शो दिखाने का यहाँ पर जो इनके शोज़ में यहाँ पर पाया गया और इनके वीडियोस को डिलीट करने का निर्देश दिया गया है और इन पर जुर्माना भी लगाया गया। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली में जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एडवर्टाइजमेंट हैं उन पर टेम्परली बैन लगा दिया है। किसके माध्यम से, तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टेम्परली बैन लगाया है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर। ड्रग और मैजिक रेमेडी एक्ट के आगे कैसे वायलेट किया गया, तो यहाँ पर कई इन्होंने दावे किए दवाइयों के कि इससे ये चीज़ सही हो जाएगी और फिर बाद में उस बात को पहले तो प्रमोट कर दिया, फिर उसके बाद में उसको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो इसको यहाँ पर पाया गया। और जो हमारी इस समय पर एलोपैथी है उसके एलोपैथी ने अगेंस्ट इन पर यहाँ पर केस किया था, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है क्योंकि एलोपैथी को कहीं ना कहीं ये डीवैल्यूड कर रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक, आगे बात करें तो पतंजलि के फाउंडर हैं बाबा रामदेव, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्णा और 2006 में इसे फाउंड किया गया था और ये भारत की कंपनी है, आयुर्वेद से रिलेटेड ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है, अब तो खैर हर चीज़ बना रही है, हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, कंट्री की पहली सेमीकंडक्टर फैब यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, इसे कहाँ पर और किसके कोलेबोरेशन से इसे लॉन्च किया गया, तो सेमीकंडक्टर फैब, आपको पता है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भारत ना काम कर रहा है और भारत में सभी राज्यों में देखा जाए तो गुजरात काम कर रहा है उस पर ज़्यादा तेज़ी से। तो गुजरात के ढोलेरा में इसको इनॉग्रेट किया गया। टाटा ग्रुप और साथ साथ जो पावर चिप ताइवान की कंपनी है इसके कोलेबोरेशन से इसे यहाँ पर इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर फैब बिल्ड हुई है और इसको इस्टेब्लिश किया गया। अश्वनी वैष्णव के द्वारा इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, टोटल 150 स्टेशन और 6 मेट्रो स्टेशन ऐसे हो चुके हैं जिनको ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन का दर्जा मिल चुका है फसाई के द्वारा। फसाई उन्हीं स्टेशंस को ये दर्जा देती है जिस स्टेशन पर जो फूड सेफ्टी
से रिलेटेड जो कुछ क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल होते हैं, साफ़ सफाई फुलफ़िल होती है और उनका न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो दिखाया गया है वैसा ही पाया जाता है, तो उसके बाद ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दे देती है। तो टोटल 150 स्टेशन, 6 मेट्रो स्टेशन को दर्जा मिल चुका है। आगे बात करें तो वर्ल्ड हियरिंग डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड हियरिंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को। इसकी थीम चेंजिंग एटीट्यूड, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग अ केयर रियलिटी फॉर एवरीवन रखी गई है। WHO के द्वारा 2007 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 7 अप्रैल 1948 में फाउंड किया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, टेड्रोस अदनम इसके DG हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 5 मार्च को हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2021 में इसे अनाउंस किया गया था और यूनाइटेड नेशन जिसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर, 1945 में इसे फाउंड किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कमी लगी हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।